बहुत देर से नाश्ता लगा हुआ है आप ही। प्लीज जिद मत करें। देखिए, अगर आप कुछ नहीं खाएंगी तो फरवा भी कुछ नहीं खाएगी। क्या हुआ मामा, आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? क्या हुआ चाची, मामा क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? कुछ नहीं मेरी जान, मम्मा की तबीयत खराब है ना, इस वजह से खामोश है। ठीक हो जाएंगे बहुत जल्द। का शुक्र है आप आ गए, अल्लाह का बहुत करम है। आपको अंदाजा नहीं है मैं कितनी परेशान थी आपके लिए। फरमा बेटा, बाबा को बैठे दो थके में, आ जाए बात। पानी ले आओ। जी आपी। पापा, आपने इतने दिन में कुछ खाया भी नहीं होगा, मिला भी नहीं होगा ठीक से। मैं आपके लिए ना बनाना शेक बना के लाती हूँ। मैं आपकी पसंद की बिरयानी बनाती हूँ आज, ठीक है? आप यहाँ आराम से बैठे। चलो वानिया, हेल्प कर दो मेरी। से मेरा बच्चा अपना कारोबार शुरू करने वाला है, बस अल्लाह से तो यही दुआ है कि अल्लाह हासितों से बचाए मेरे फरहान को। तुम्हें पता है मुर्गियों के कारोबार में बड़ी बरकत है, बंदा रातों रात अमीर हो जाता है भाई। तुम्हें क्या हुआ है, किसके सोग में बैठी हो? हाँ कोई बात नहीं, मैं सिर्फ आपकी बात सुन रही हूँ। अच्छा, माँ से बात हुई? कोई खैर खबर उस फ्रॉडिये की? ये ना हो कि भाभी साहिबा का इरादा बदल गया, वैसे कोई उम्मीद भी नहीं है उनसे। ऐसी कोई बात नहीं है वैसे फुप्पू। तुम्हें पता है हानिया, तुमसे पहले से जानती हूं मैं भाभी साहिबा को। अपने मतलब का काम हो ना वो कर जाती हैं, किसी के फरिश्तों को भी खबर नहीं होती है। फोन करके पता करो, हम कब तक खाली तिजोरी को ताला लगा के बैठे रहेंगे भाई।